गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू रैंकर्स आईआईटी पीएमटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, टुडेज माय टॉपिक इज क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो बच्चों, सबसे पहले परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर्स में हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज फैक्टोरियल। तो बच्चों, ये बेसिक फंडामेंटल होता है। अगर हम पीएनसी को पूरी तरीके से अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले फैक्टोरियल जानेंगे। तो बच्चों, फैक्टोरियल क्या होता है? द क्वांटिटी न्यूट प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज कॉल्ड द परमुटेशन द फैक्टोरियल। And denoted by factorial n or ये बच्चों सिंबल होता है। या तो आप इस सिंबल से डिनोट कर सकते हैं फैक्टोरियल, और या तो आप एक्सक्लेमेशन डॉट से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज अ सिंबल ऑफ फैक्टोरियल। तो बच्चों, ये कॉन्टिन्यूएट प्रोडक्ट को शो करता है। फॉर द एग्जाम्पल, अगर हम फैक्टोरियल 2 की वैल्यू लेते हैं तो 2 × 1 लिखते हैं, तो देखिए कॉन्टिन्यूस प्रोडक्ट बन रहा है। फैक्टोरियल 3 को 3 × 2 × 1, तो इसकी वैल्यू फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 4 पे 4 × 3 2 × 1, देन फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 5 में फैक्टोरियल 5 4 3 2 एंड 1। तो बच्चों, ये देखिए कॉन्टिन्यूस प्रोडक्ट है। देखिए कॉन्टिन्यूट प्रोडक्ट है ये, ठीक है। इसी तरीके से डैश 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 फैक्टोरियल 10 लेते हैं तो क्या लिखने वाले हैं? 10 9 8 7 × 3 × 2 × 1। तो बच्चों, ये केवल नेचुरल नंबर के लिए होता है। किसके लिए होता है बच्चों? नेचुरल नंबर के लिए होता है। तो अगर हम इसी तरीके से बच्चों, अगर हम n को अगर शो करें तो फैक्टोरियल n जो है क्या डिनोट करने वाला है? n − 1 n − 2 ……3 2 1। तो बच्चों देखिए, इसके बाद नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट को शो करता है फैक्टोरियल n। तो बच्चों, यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 के बाद ये स्टॉप हो जाता है, 1 के बाद ये स्टॉप हो जाता है, और यहाँ पर 2 पॉइंट्स नोट किए जाते हैं कि बच्चों फैक्टोरियल 0 जो होता है वो 1 होता है, और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी 1 होती है, ठीक है। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी 1 एंड फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी 1। देखिए, इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n को, देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल n इक्वल टू n − 1, तो यहाँ फैक्टोरियल लगा सकते हैं। देखिए किस टाइप से, यहाँ हम लिख सकते हैं n × n − 1। फैक्टोरियल n को हम बेसिक कॉन्सेप्ट में ले जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल n इक्वल टू n − 1, राइट। देखिए कैसे, देखिए अगर हम यहाँ पर लिखते हैं फैक्टोरियल 10, तो हम इसे बाहर आउटसाइड निकालेंगे 10 को, तो हियर 10 होगा और हियर 9 हो जाएगा। फिर अगर हम 9 को निकालेंगे आउटसाइड तो यहाँ 8 हो जाएगा। इसी तरीके से ये 8 बाहर आएगा तो ये अंदर 7 हो जाएगा। इसी तरीके से ये 10 × 9 × 8 × …3 × 2 × 1 होता है। तो अगर हम देखें तो इस सभी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट्स करने के लिए एक बेसिक फार्मूला बनाया गया कि फैक्टोरियल n इक्वल टू n − 1। अगर हम इस n − 1 को बाहर निकाल लें, इस n − 1 को बाहर निकालेंगे तो अंदर फैक्टोरियल के अंदर क्या हो जाएगा? n − 2 हो जाएगा। तो बच्चों, यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो फैक्टोरियल n − 1 को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल n अपॉन n, ठीक है। ये मल्टीप्लाई है बच्चों, ठीक है, इसे आप हटा दीजिए। तो अगर आप देखिए फैक्टोरियल 0 की वैल्यू हमें प्रूव करनी कि 1 कैसे होती है, तो इसी फॉर्मूले पे, इस फॉर्मूले पे हम क्या पुट कर दें? पुट कर देते हैं n की जगह पे 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 − 1 फैक्टोरियल 1 अपॉन 1, राइट बच्चों। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा,
फैक्टोरियल जीरो आ जाएगा, और फैक्टोरियल जीरो और ये फैक्टोरियल वन की वैल्यू वन इन अपॉन वन, यानी फैक्टोरियल जीरो इज़ वन होता है। ठीक है, अब बच्चों इसके पास अगर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होती कि फैक्टोरियल वन की वैल्यू कितनी होती है, तो हम इस पे टू पुट कर देते, तो यहाँ पे टू आ जाता और यहाँ पे टू आ जाता इसी फॉर्मूले पे। तो देखिए कितना होता अगर हम पुट करते हैं एन की जगह पे टू, तो फैक्टोरियल टू माइनस वन फैक्टोरियल टू अपॉन टू, ये वैल्यू वन हो जाएगी, और फैक्टोरियल टू की वैल्यू टू इंटू वन हो जाएगी, और टू से टू कैंसिल हो जाएगा, यानी फैक्टोरियल वन की वैल्यू भी कितनी आएगी वन, एंड फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू कितनी आएगी वन। बच्चों फैक्टोरियल के अंदर ओनली नेचुरल नंबर डिफाइंड होता है। क्या होता है बच्चों? फैक्टोरियल के अंदर ओनली नेचुरल नंबर डिफाइंड होता है। अब देखिए यहाँ पर अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। पहले देखिए फैक्टोरियल को एक्सपेंड कैसे करते हैं, एक्सपेंडिंग रूल देखिए, अगर यहां पर लिखा हुआ है फैक्टोरियल n, तो इसे हम आउटसाइड निकालें तो ये n n माइनस वन हो जाता है, फिर n माइनस वन को आउटसाइड ले तो यहाँ एक लेस हो जाएगा n माइनस टू, देन फिर n माइनस वन n माइनस टू देन n माइनस थ्री डेड डेड डेस। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम चाहें तो इसको फैक्टोरियल n की वैल्यू लिख सकते हैं n माइनस वन n माइनस टू डेड डेड डेस इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, और रिवर्स करके लिख दें तो वन इंटू टू इंटू थ्री डेड डेड डेस एन माइनस टू एन माइनस वन इंटू एन, यानी ये फैक्टोरियल एन की वैल्यू होती है। तो बच्चों ये बेसिक फॉर्मूला होता है। अब इसी पे अगर हमें नेचुरल नंबर कोई भी, एन बिलोंग्स टू ओनली बच्चों नेचुरल नंबर, ठीक है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये हमेशा नेचुरल नंबर के लिए ही डिफाइंड है बच्चों, नेचुरल नंबर के लिए ही डिफाइंड होता है, किसी फ्रैक्शनल और नेगेटिव नंबर के लिए नॉट डिफाइंड होता है। बच्चों फैक्टोरियल के अंदर अगर कोई नेगेटिव नंबर हो तो वो नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है, और कोई फ्रैक्शनल नंबर हो तो वो भी नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, अब यहाँ पर नेचुरल नंबर है और फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू मैंने आपको कितनी बताई, वन होती है, फैक्टोरियल वन कितना होता है वन। अब ब्रेक करते हैं, जैसे एग्जाम्पल में दिया गया होता फैक्टोरियल फाइव, तो हम इसे क्या लिखते हैं, फाइव फैक्टोरियल फोर, फाइव फोर को आउटसाइड ले फैक्टोरियल थ्री, ठीक है, थ्री को आउटसाइड ले फैक्टोरियल टू, एंड टू को आउटसाइड लेते हैं देन टू फैक्टोरियल वन, अब वन को आउटसाइड ले लेते हैं, ठीक है, इनटू वन देन फैक्टोरियल जीरो, और फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू कितनी होती है वन। क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है, फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू वन, तो आंसर आ जाएगा 5 इंटू फोर 20 इंटू सिक्स, यानी 120। ठीक है, तो फैक्टोरियल आपने जाना। अब हम इसके फंडामेंटल रूल्स पढ़ते हैं, एल्जेब्रिक रूल्स पढ़ते हैं इसके। तो एल्जेब्रिक रूल में क्या आता है कि एडिशन क्या होता है, सब्सट्रैक्शन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। तो देखिए इनकी जो बेसिक फंडामेंटल होती है एल्जेब्रा ऑफ फैक्टोरियल, तो बच्चों इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि हम इन्हें एडिशन कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहला होता है एडिशन। तो देखिए जैसे अगर आप बात करें कोई दो फैक्टोरियल नंबर हैं, देखिए एक है फैक्टोरियल पी, ठीक है, फर्स्ट वाला है फैक्टोरियल पी और सेकंड वाला है फैक्टोरियल क्यू, ठीक है, तो अगर हम इसे ऐड करना चाहते हैं तो इनका ऐड जो है वो रिप्रेजेंट किया जाएगा बच्चों, एडिशन इसका रिप्रेजेंट किया जाएगा फैक्टोरियल पी प्लस फैक्टोरियल क्यू, बट आप इसे क्या नहीं लिख सकते, फैक्टोरियल इक्वल नॉट फैक्टोरियल पी प्लस क्यू, बच्चों ये रॉन्ग होगा। ठीक है, आप इनकी वैल्यू को पहले एक्सपेंड करेंगे, इन वैल्यू को क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो
क्या ऐड करने वाले हैं आप? एक्सपेंड वैल्यू को हम ऐड कर सकते हैं, एक्सपेंडिंग वैल्यू को, ठीक है, एक्सपेंडिंग वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सपेंडिंग वैल्यू इनकी होनी चाहिए और ये किसी भी रूल को फॉलो नहीं कर सकते। देखिए ये इसमें भी नहीं फॉलो करेंगे, सब्सट्रैक्शन पे, फॉर सब्सट्रैक्शन, ठीक है, इस पर भी ये रूल फॉलो नहीं करता कि हम इसे लिख दें p माइनस क्यू, और मल्टीप्लिकेशन पे भी ये रूल नहीं फॉलो करता कि मल्टीप्लिकेशन पे हम इसे लिख सकते नहीं हैं, ऐसा नहीं लिख सकते कि p इंटू क्यू हो जाएगा, और डिवाइड में भी हम इसे नहीं लिख सकते इस टाइप से, ठीक है बच्चों। डिवाइड में क्या नहीं लिख सकते, इक्वल नॉट, ठीक है, फैक्टोरियल p अपॉन फैक्टोरियल q को हम एक ही फैक्टोरियल में p अपॉन q नहीं लिख सकते, इज अ रॉन्ग, ठीक है, ये रॉन्ग है, यानी इसे हम डिवाइड रूल पे भी नहीं लिख सकते इस टाइप से कि p अपॉन q फैक्टोरियल को इक्वल नॉट हम क्या एक ही फैक्टोरियल में p अपॉन q नहीं लिखा जा सकता। जैसे अब इसका बेसिक नॉलेज ये है बच्चों, जैसे एग्जांपल दिया गया, ठीक है, कि अगर हमें इनको ऐड करना है, ठीक है, ये जो टू नंबर है फैक्टोरियल थ्री प्लस फैक्टोरियल फोर, तो हम इनकी वैल्यू को निकालेंगे पहले, थ्री इंटू टू इंटू वन प्लस फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, तो कितना आ जाएगा, सिक्स, ट्वेंटी फोर, थर्टी। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल है सब्सट्रैक्शंस पे बच्चों, ठीक है, इस पर है कि अगर फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3 लिखा हुआ है तो हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, पहले एक्सपेंडिंग वैल्यू फाइंड करेंगे, 4 3 2 1 माइनस 3 2 1, ये 24 माइनस 6 यानी 18। इसी तरीके से देखिए बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल है कि फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लिकेशन पर, तो बच्चों मल्टीप्लिकेशन पे हम इन्हें इक्वल नॉट 12 नहीं लिख सकते, इसकी वैल्यू एक्सपेंड करेंगे 4 3 2 1 प्लस 3 2, सॉरी प्लस नहीं, इंटू मल्टीप्लाई है 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो जाएगा 24 और इंटू 6, ठीक है बच्चों 144। नेक्स्ट एग्जांपल है डिवाइड पे, अगर हम फ्रैक्शनल पे लेते हैं बच्चों, इस टाइप से ले लें फ्रैक्शनल 6 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 6, तो अगर हम इस पे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं फ्रैक्शनल पे, ठीक है बच्चों, किस पर, फ्रैक्शनल पे, तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन, बच्चों इनके बेस को इक्वल कर लेते हैं, तो 7 को बाहर निकालें तो यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ पर 6 है, और फैक्टोरियल 6 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन 7 प्लस 1, यानी 1 अपॉन, ठीक है, फैक्टोरियल 6 और ये हो जाएगा 8 बाई 7, ठीक है। तो बच्चों ये एक्सपेंड कर लेंगे 6 को, वैल्यू एक्सपेंड कर लेंगे 1 तक, फिर इसके बाद होता है बच्चों डिवाइड रूल पे अगर हम बात करें, डिवाइड रूल पे बात करते हैं, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2, तो बच्चों इसको वैल्यू हम पहले फाइंड करेंगे 5 4 3 2 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 इंटू 1, 2 और 1 कैंसिल हो जाएगा, देन वैल्यू इज 60। तो बच्चों ये था फैक्टोरियल की वैल्यू को एक्सपेंड करके ही हम या तो ऐड करते हैं, या तो सब्सट्रैक्ट करते हैं, या तो मल्टीप्लाई करते हैं, या तो डिवाइड करते हैं, ठीक है। विदाउट एक्सपेंडिंग हम इन्हें ना प्लस कर सकते हैं, ना मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ना इंटू कर सकते हैं, ना डिवाइड करते हैं। तो बच्चों इनका यूज़ कैसे होता है वो अब आता है परमुटेशंस में, ठीक है, परमुटेशन है कॉम्बिनेशन टॉपिक पे। तो देखिए सबसे पहले कि पीएनसी को
यानी जो परमुटेशन है वो कैसे एक्सपेंड किया जाता है बच्चों, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है। तो सबसे पहला टॉपिक आता है कि परमुटेशन, सेकंड टॉपिक हो गया बच्चों परमुटेशंस, ठीक है। और परमुटेशंस को ही हम लोग अरेंजमेंट बोलते हैं, ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं, अरेंजमेंट। और इसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक आता है थर्ड, कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन को हम लोग बच्चों सिलेक्शन बोलते हैं, सिलेक्शंस, ठीक है। अब सबसे पहला पॉइंट होता है कि इनकी जो डेफिनेशन है, फिर इनके जनरल फॉर्मूले हैं, क्योंकि मैंने बोला ना कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट ही पढ़ा रहा हूँ, तो बच्चों मैं इसे पहले बेसिक पढ़ाएंगे फिर एनसीईआरटी पैटर्न से पढ़ाएंगे। इसके ओनली फैक्टोरियल रूल पता होना चाहिए बेसिक पे, परमुटेशन की डेफिनेशन एंड फार्मूला, कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन एंड फार्मूला, एंड इसके बाद हम एनसीईआरटी पैटर्न का पढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले परमुटेशंस की डेफिनेशन होती है अरेंजमेंट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है बच्चों, अरेंजमेंट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और इस पर बोला जाता है सिलेक्शन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स, सिलेक्शन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है बच्चों। इसको हम लोग परमुटेशंस को डिफाइन करते हैं अरेंजमेंट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स, और इसको डिफाइन करते हैं सिलेक्शन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स। सिलेक्शन हो गया और इसमें अरेंजमेंट हो गया। तो बच्चों अगर हम देखें कि कोई ए बी सी डी फोर लेटर ले सकते हैं, तो ए बी सी डी जब हम फोर लेटर लेंगे तो यहाँ पर उन फोर लेटर्स का अरेंजमेंट होगा। और यहाँ पर ए बी सी डी फोर लेटर्स को अगर हम लेंगे एग्जाम्पल पे, तो यहाँ पर हम लोग उनका क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं ए बी सी डी का। तो यहाँ पर बोला जाता है कि अरेंजमेंट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स, जैसे फॉर द एग्जाम्पल, अभी डेफिनेशन को और पॉइंट्स में अभी आपको डिफाइन करते हैं बच्चों। सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पर लेट किया कि ए बी सी डी, ठीक है, ये हमारे पास फोर लेटर्स गिवन है, तो इसके टोटल कितने अरेंजमेंट पॉसिबल होंगे, टोटल अरेंजमेंट, ठीक है, और यहां पे टोटल सिलेक्शन, लेट किया ए बी सी डी, ठीक है, फोर लेटर्स हैं, फोर लेटर्स, और इनका हमें करना है सिलेक्शन, ठीक है, यानी कॉम्बिनेशंस, कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमें करना है टोटल अरेंजमेंट। तो बच्चों हम इसको जानते कैसे अरेंजमेंट करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर ए बी सी एंड डी, ठीक है बच्चों, फर्स्ट तो यही हो गया अरेंजमेंट। सेकंड अरेंजमेंट होगा ए बी डी सी, क्लियर, ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट आने वाला है ए सी बी डी, फिर नेक्स्ट आएगा ए सी डी बी, ठीक है बच्चों, फिर आएगा ए डी, ठीक है, सी बी, और नेक्स्ट आएगा ए डी बी सी। तो बच्चों ये टू टू फोर टू सिक्स हो गए एक एक एस के लिए। अब मैंने सारे ये ए से स्टार्ट किए थे, अब हम लोग बी से स्टार्ट करेंगे, बी ए सी डी, ठीक है। इसी तरीके से फिर हम लोग एक केस स्टार्ट करेंगे सी ए बी डी से स्टार्ट करने वाले हैं, और फिर इसी तरीके से हम लोग स्टार्ट करेंगे डी ए बी सी से। तो देखिए इसमें क्या बनेगा, सीक्वेंस बनाना शुरू करें तो होगा बी ए डी सी होगा, नेक्स्ट क्या होगा बी सी डी ए, फिर होगा बी सी ए डी, फिर होगा बच्चों बी डी ए सी, और नेक्स्ट होगा बी डी सी और ए।
देखिए इसमें भी सिक्स केस बने, तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ बनेगा सी ए डी बी, और यहाँ पर नेक्स्ट बनेगा सी बी ए डी, सी बी डी ए, एंड यहाँ पर बनेगा सी डी देन ए बी, और यहाँ बनेगा सी डी देन बी ए। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से बनाते हैं, तो देखिए कितना हो जाएगा डी ए बी सी को, यहाँ पर लिखते हैं डी ए सी बी, और यहाँ होगा डी बी ए सी, डी बी सी ए, एंड नेक्स्ट पढ़ते हैं तो डी सी देन बी ए, और यहाँ हो जाएगा डी सी ए बी। तो देखिए ये टोटल सिक्स वेज बने, ठीक है, ए बी टोटल सिक्स वेज हैं, और ए बी सिक्स वेज हैं, और यहाँ पर भी सिक्स वेज हैं ये, ठीक है। और इसी तरीके से ये टोटल अगर हम सम कर दें तो टोटल बच्चों कितना बन जाएगा 24, टोटल अरेंजमेंट कितना बन जाएगा 24 बन जाएगा। तो यहाँ पर ए बी सी डी का अगर हम अरेंजमेंट टोटल अरेंजमेंट केस बनाएंगे तो कितने केस बनेंगे 24 बनेंगे। अब बच्चों यहाँ पर अगर हम सिलेक्शन करें, ठीक है, इन थ्री ग्रुप्स कितने, देखिए कोई ना एक कोई फिक्स करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर तो हमने टोटल अरेंजमेंट बनाए हैं, अब ए बी सी डी में हमें सिलेक्शंस करने हैं इन ग्रुप ऑफ थ्री, इन ग्रुप ऑफ थ्री। तो यहाँ पर इन ग्रुप ऑफ थ्री, ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे तो इनका थ्री का सिलेक्शन कैसे दिखाएंगे, आप बताइए इसमें से क्या क्या सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं ए बी सी ले लेते हैं सिलेक्शन पे, ठीक है, आ गया समझ में, फोर है, फोर में से हमने सिलेक्शन किया ए बी सी को, ठीक है, थ्री का इन थ्री ग्रुप, तो ए बी सी हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा ए सी और बी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, और फिर कितना सिलेक्शन हो सकता है यहाँ पर ए सी डी हो सकता है, और एक हो सकता है ए डी और सी हो सकता है, थ्री ग्रुप में ए बी सी को ले सकते हैं, और ये रिपीट कर गया, ठीक है, ये क्या कर गया रिपीट कर गया बच्चों, ये सिलेक्शन नहीं होगा इसका, थ्री ग्रुप में लेंगे तो एक ए बी सी होगा, इनको आपस में इंटरचेंज भी कर सकते थे, एक लेंगे ए सी डी का हो सकता है सेकंड, ये राइट यस एक ही बन सकता है थ्री ग्रुप में, और एक ए सी डी हो सकता है, और एक बन सकता है बी सी डी बन सकता है, और एक बन सकता है ए बी डी, तो ये फोर केसेस होंगे ओनली थ्री ग्रुप में, इन थ्री ग्रुप में, ठीक है, यानी थ्री का सिलेक्शन करना पड़ा। तो कितना केस बना ए बी सी, एक ए सी डी और एक बी सी डी और एक ए बी डी, तो इसमें टोटल वेज कितने बन रहे हैं, टोटल वेज बन रहे हैं फोर, ठीक है, वन टू थ्री फोर बन रहे हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पर थ्री ग्रुप का सिलेक्शन करते हैं और इसमें टोटल का अरेंजमेंट करते हैं तो कितना बनता है 24। तो बच्चों यहाँ पर जो फॉर्मूला क्रिएट होगा और एक यहाँ पर जो फॉर्मूला क्रिएट होगा वो इसके बाद के टॉपिक पे मैं आपको बताता हूँ कि इसका फॉर्मूला क्रिएट कैसे हुआ है, इन अरेंजमेंट से और यहाँ से सिलेक्शन से। तो टोटल अरेंजमेंट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, कॉल द परम्यूटेशन एंड यहां पर सिलेक्शन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड द कॉम्बिनेशन, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसे हम लोग एक और वेल डिफाइंड डेफिनेशन से बोल सकते हैं,
देखिए बच्चों, इसको एक और चीज़ बस से डिफाइन कर सकते हैं कि इसमें ये कोई भी रिपीट नहीं कर रहे हैं। देखिए ए बी सी डी, ए बी डी सी, कोई रिपीट नहीं कर रहा है सीक्वेंस, यानी यहाँ पर भी देखिए कोई रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है, ऑर्डर। तो यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर वो विदाउट रिपीटिशन होता है। क्या होता है? विदाउट रिपीटिशन। तो ऑर्डर जो है वो विदाउट रिपीटिशन है, तो ये भी वेरी करेगा कि रिपीटिशन अलाउड होगा कि नहीं होगा। तो क्वेश्चंस में मेंशन कर दिया जाएगा कि ऑर्डर को हम लोग रिपीट करेंगे कि नहीं करेंगे, तो वो यहाँ पर केसेस पे ये डिफाइंड किया जाएगा। अब इसका मैं फॉर्मूला बताता हूँ। देखिए इसका फर्स्ट फॉर्मूला बनता है कि देयर आर एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड अरेंजमेंट ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स। बच्चों टोटल हमें एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, आर ऑब्जेक्ट्स का हमें क्या करना है, अरेंजमेंट। तो देखिए जिस तरीके से यहाँ पर हमें ए बी सी डी फोर ऑब्जेक्ट्स गिवन थे और इनमें से हमने टोटल का अरेंजमेंट कर दिया, तो इसमें से हम आर की जगह भी एन कर देते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा बच्चों, डिनोट किया जाएगा परमुटेशन को एन, मतलब पी एन कॉमा एन, और इसका फॉर्मूला बनेगा फैक्टोरियल, यानी एन पी एन, और इसका फॉर्मूला डिनोट किया जाएगा फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस एन से, ठीक है। यानी फैक्टोरियल यहाँ जीरो आ जाएगा, और फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू कितनी बताई थी मैंने, वन, ठीक है। तो ये एन पी एन यानी फैक्टोरियल एन। देखिए अब काउंट करते हैं, अगर मैं यहाँ पर फोर रख देता हूँ, ये फोर, तो यहाँ हो जाएगा फोर कॉमा फोर, यानी फोर कॉमा पी फोर पी फोर, फैक्टोरियल फोर अपॉन फोर माइनस फोर यानी जीरो, फैक्टोरियल फोर की वैल्यू हो जाएगी फोर थ्री टू वन, तो ये 24 आ गए ना बच्चों। तो देयर आर एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, यानी एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं और टोटल का अरेंजमेंट करना पड़ा, कितना बच्चों, एंड अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, यानी टोटल ऑब्जेक्ट्स भी एन एंड डिस्टिंक्ट हैं। ये देखिए डिस्टिंक्ट हैं, यहाँ देखिए चारों के चारों लेटर्स डिस्टिंक्ट हैं, तो फॉर्मूला बनता है एन पी एन। इसी तरीके से यहाँ पे जब सिलेक्शन का फॉर्मूला होता है तो बच्चों फॉर्मूला बनता है, देखिए एक दो तीन चार के किस बने हुए हैं, तो यहाँ पर डिनोट करेंगे कॉम्बिनेशन को डिनोट करने वाले होते हैं बच्चों इस मेथड से, कि इसको डिनोट करते हैं सी, और यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है, एन कॉमा एन, तो इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, एन सी एन, और इसके लिए फॉर्मूला बनता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस एन। तो बच्चों ये जीरो हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, तो ये टोटल केस कितना बन जाएगा, वन एन सी एन, और जब ये डिस्टिंक्ट होगा आर होगा तो एन सी आर का फॉर्मूला बनेगा, वो मैं अभी आपको बताता हूँ टोटल फार्मूले क्या होते हैं इसके, ठीक है बच्चों। देखिए अब इसके फॉर्मूले को डिफाइन करता हूँ पहले, देखिए फॉर्मूले क्या बनते हैं इसमें परमुटेशंस के लिए और कॉम्बिनेशन के लिए। देखिए सबसे फर्स्ट फॉर्मूला होता है बच्चों यहाँ पर टोटल का, जो फॉर्मूले हैं वो कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट फॉर्मूला लिया जाता है, देयर आर एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड अरेंजमेंट ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स। बच्चों यहाँ एन है और यहाँ पर आर ऑब्जेक्ट्स,
देन टोटल अरेंजमेंट होंगे, अरेंजमेंट होगा एन, मतलब पी परमुटेशन यानी पी डिनोटेड बाय एन कॉमा आर, और इसका फॉर्मूला होगा एन पी आर, और इसकी जो एक्सपेंडिंग वैल्यू लिखी जाती है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। ठीक है बच्चों, ठीक है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। इसी तरीके से जब कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है तो देयर आर एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, यहां पर एन दिस वन, तो टोटल सिलेक्शन बनेंगे, टोटल सिलेक्शन का फॉर्मूला होगा बच्चों यहां पर होगा एन सी आर, और इसे इस टाइप से डिनोट करेंगे सी एन कॉमा आर, तो इसका फॉर्मूला होगा एन सी आर, और इसका फॉर्मूला एक्सपेंड होता है फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो बच्चों ये जो केस है इसको पहले हम बताते हैं कि इनमें रिलेशन भी होता है पहले, लेकिन पहले हम एक एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल है बच्चों कि टोटल है 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स गिवेन है, ठीक है, और अरेंजमेंट करना है हमें, अरेंजमेंट करना है टू ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, देखिए ये एन की वैल्यू हो गई, ये आर की वैल्यू हो गई, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो लिखेंगे पेन पी 10, 2, और इसको लिखेंगे 10p2, और यहाँ आ जाएगा फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 माइनस 2, यानी वैल्यू आ जाएगी 10, 9, और यहाँ पर 8, और यहाँ पर भी 8, ये कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 90। इसी तरीके से अगर बच्चों इसी क्वेश्चंस के लिए अगर पूछता, सेम क्वेश्चन के लिए अगर पूछता कि टोटल सिलेक्शन क्या होंगे, तो बच्चों टोटल सिलेक्शन का फॉर्मूला होता सी 10, 2, और फॉर्मूला अप्लाई करते 10c2, ठीक है, और यहाँ पर ये वैल्यू होती फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 10 माइनस 2, तो ये वैल्यू होती 10, 9, 8 अपॉन 2 × 1 फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 8 से कैंसिल, 2 से 5 कैंसिल, आंसर आता 45। कितना आता बच्चों? 45 आता। तो ये कॉम्फॉर्मेशन है, ये कॉम्बिनेशन है। तो बच्चों यहाँ पर एक केस पहला फार्मूला कि दे आर आर एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब इसमें नोट पॉइंट्स है कि जो बच्चों ये जो फार्मूला है ना, इसकी कुछ कंडीशन होती हैं, वो कंडीशन ये होती हैं, पहला पॉइंट्स यहाँ पर इसके लिए भी और इस दोनों की, तो क्या कंडीशन होती है, एन जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू आर होता है, यानी एन की वैल्यू आर के इक्वल हो सकती है या एन हमेशा बड़ा होगा, तभी ये डिफाइंड होता है। और बच्चों ये कभी भी निगेटिव नंबर नहीं होते, यानी एन हमेशा जीरो से बड़ा होता है, यानी ठीक है एन यानी जीरो से बड़ा होगा और नेचुरल नंबर होगा बच्चों, ठीक है, इसके लिए कंडीशंस बता दी गई हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि इसका सेकेंड फॉर्मूला क्या होता है। सेकेंड फॉर्मूला आता है बच्चों देयर आर एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड सिलेक्शन अरेंजमेंट ऑफ, यहां लिखते हैं, एंड अरेंजमेंट ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स। ये आर वाला केस हो गया अभी, क्यों बच्चों आर वाला केस हो गया, तो मैं यहाँ पे एन ले लेता हूँ, ठीक है, एन और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट एंड अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। तो बच्चों इसको हम डिनोट करेंगे पी एन कॉमा एन से, और ये फॉर्मूला होगा एन पी एन,
और इसको उसी फॉर्मूले से डिनोट करें तो ये आएगा n माइनस n, और ये वैल्यू हो जाएगी फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें, ये तो टोटल अरेंजमेंट हो गया, और इसी तरीके से हम टोटल सिलेक्शन करेंगे बच्चों, तो टोटल सिलेक्शन क्या हो जाएगा एन सी एन, ठीक है, एन सी एन, और इसकी वैल्यू हो जाएगी फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस एन, ये कैंसिल हो गया, और फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये वैल्यू कितना केस बनेगा 1। यानी बच्चों अगर हम कोई एग्जांपल की बात करें, यहाँ पर कोई एग्जांपल लेते हैं कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, टोटल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स गिवेन है, कितने 10 ले लेते हैं एन की वैल्यू, और अरेंजमेंट कर लेते हैं, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ ऑल, ऑल ऑल मतलब इसमें एन भी 10 है, ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बेटा 10 पी 10 से, यानी फैक्टोरियल 10। और इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम देखें टोटल का सिलेक्शन करेंगे, टोटल सिलेक्शन, ठीक है, अगर ये वैल्यू सेम होती तो ये वैल्यू 1 हो जाती, 10 सी 10, यानी इसका वैल्यू कितना बनेगा 1 बनेगा। अब बच्चों इनकी कुछ आइडेंटिटीज़ और फॉर्मूले का कुछ रिलेशन है वो मैं बता देता हूँ। पहले देखिए इनमें आपस में कुछ रिलेशन है वैल्यूज में, सबसे पहले कि रिलेशन होता है कुछ, इसमें रिलेशन फाइंड कर देते हैं, रिलेशन बिटवीन परमुटेशन, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। फर्स्ट बेटा, फर्स्ट फॉर्मूला है कि अभी हमने एन सी आर को क्या लिखा था, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, तो हम इसे लिख सकते हैं एन सी आर इक्वल टू 1 अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो ये वैल्यू एक फॉर्मूला बन गया बच्चों, 1 अपॉन फैक्टोरियल आर, और ये वैल्यू कितने की है एन पी आर की, एन पी आर, तो फॉर्मूला क्या मिल गया एन पी आर इक्वल टू फैक्टोरियल आर इंटू एन सी आर, तो ये रिलेशन का फॉर्मूला हो गया एन पी आर इक्वल टू फैक्टोरियल आर इंटू एन सी आर। इसी तरीके से बच्चों कुछ फॉर्मूले होते हैं कॉम्बिनेशन पे भी, कुछ फॉर्मूले होते हैं, देखिए कॉम्बिनेशन का जो हम कुछ वैल्यूज फाइंड करते हैं, जैसे सपोज दैट गिवेन है इफ एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई, ठीक है, एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई, तो यहाँ पर होता है x प्लस वाई इक्वल टू एन, ये फॉर्मूला है, अगर एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई हो देन x प्लस वाई इक्वल टू एन हो जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगी n माइनस एक्स, तो हम ये कह सकते हैं कि एन सी एक्स की वैल्यू एन सी एन माइनस एक्स के इक्वल होती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ आपको कि जो यहाँ पर सपोज डेट 5 लेते हैं 2 लेते हैं, तो 5c2 की वैल्यू 5c3 के इक्वल होगी, देखिए ये फॉर्मूला यहाँ पर ये शो करता है कि 5c2 की वैल्यू 5c3 के इक्वल होगी, चेक कर लेते हैं, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 5 माइनस 2, और यहाँ पर फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 5 माइनस 3, देखिए ये कैंसिल हो गया, और देखिए यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 1 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर फैक्टोरियल 3 यहाँ पर 2, देखिए ये भी कैंसिल हो गया। तो देखिए एल एच एस इक्वल टू क्या होता है आर एच एस, तो हम कह सकते हैं एन सी एक्स इक्वल टू क्या होता है एन सी एन माइनस एक्स, यानी ये फॉर्मूला ये रिप्रेजेंट करता है 10c2 की वैल्यू 10c8 के इक्वल होगी, बच्चो ये क्या कहता है 10c2 की वैल्यू कितने के इक्वल होगी 10c10 माइनस 2 यानी 10c8 के इक्वल होगी। इसी तरीके से अगर हमें 7c2 की वैल्यू निकालनी है तो 7c7 माइनस 2 यानी कितने के इक्वल होगा 7c5 के वैल्यू के इक्वल होगा। तो ये बच्चों कुछ बेसिक हैं और ये सारे फॉर्मूले जितने भी मैंने आपको पढ़ाए ऑल फार्मूला ये बेसिक कॉन्सेप्ट में यूज़ होते हैं और इसीलिए मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए।
अब बच्चों आता है एक कि मल्टीप्लिकेशन फंडामेंटल रूल्स क्या होते हैं, प्लस कैसे करते हैं और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो देखिए कुछ इसमें दो पॉइंट्स होते हैं बेसिक में कि फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन रूल क्या होता है। ठीक है, ये बच्चों बेसिक रूल है, ये भी फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन और बेसिक रूल। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सपोज दैट यहाँ पर एक प्लेन है, ठीक है, वन प्लेन, ठीक है, यहाँ पर कोई प्लेन है एयरजेट मान लीजिए, ठीक है, और यहाँ एक सिटी है, उस सिटी पे या कंट्री अज्यूम कर लेते हैं, इस कंट्री पे एक एयरपोर्ट यहाँ पर है, एयरपोर्ट वन, ठीक है, और एक यहाँ पर एयरपोर्ट टू है और एक यहाँ पर एयरपोर्ट थ्री है, ठीक है, और दूसरी एक कंट्री अज्यूम करते हैं कंट्री वन एंड कंट्री टू, ठीक है, सेकंड कंट्री, और इसमें एक एयरपोर्ट यहाँ पर है, ठीक है, एक एयरपोर्ट यहाँ पर है सेकंड, और एक एयरपोर्ट यहाँ पर है थर्ड, ठीक है। तो अगर सबसे पहले हम बताते हैं कि ये प्लेन क्या परफॉर्म कर सकता है, बच्चों प्लेन क्या परफॉर्म कर सकता है, बच्चों ये जो प्लेन है यहाँ किसी भी तीनों एयरपोर्ट में वो लैंड कर सकता है। अगर आपको यहाँ से इस जगह से सपोज दैट ये इंडिया है, ठीक है, और ये दुबई है, और ये मान लीजिए लंदन है, ठीक है, तो अगर ये इंडिया से फ्लाइट चलेगी तो इन तीनों एयरपोर्ट में कहीं पे भी लैंड कर सकती है, मतलब या तो ये सिलेक्ट करेगा ये वाला एयरपोर्ट, या तो ये सिलेक्ट करेगा सेकंड, और ये करेगा या तो थर्ड वाला। फिर इसी तरीके से इसके पास कितने केस बन जाएंगे, थ्री वेज बन जाएंगे इस प्लेन के लिए, यहाँ पर लैंड करने के कितने वेज बन जाएंगे, टोटल थ्री वेज बन जाएंगे, क्लियर। देखिए ना, ये प्लेन यहाँ पर किसी भी एक एयरपोर्ट में लैंड कर सकता है, या तो इस पर, इस पर, इस पर, तो यहाँ पर टोटल कितने केस बन जाएंगे, थ्री वेज। अब देखिए अगर ये प्लेन पहले यहाँ पर अगर लैंड करता है, मतलब इस जगह इस एयरपोर्ट वन पे लैंड करता है फर्स्ट, ठीक है, ये वाला, तो अब ये वाला जो प्लेन था यहाँ लैंड करने के बाद इस कंट्री में जा रहा है, तो उसके पास भी तो कितने वेज बनेंगे, थ्री बनेंगे। देखिए ना, यानी इस एयरपोर्ट पे लैंड करने के बाद वो इस कंट्री पे यहाँ पर किसी भी एयरपोर्ट में सेलेक्ट कर सकता है, कि इस कंट्री पे भी हमने थ्री एयरपोर्ट दिखाए, तो यानी यहाँ पर इसके सेलेक्ट होने के थ्री वेज बने थे इनमें से, तीनों में से कोई एक का, और फिर ये यहाँ पर जाएगा तो उसके भी कितने बनेंगे, थ्री केस। देखिए ना, इस एयरपोर्ट में तो यहाँ से इस पर देखिए एक ऐसे भी लैंड कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है, और इस तरीके से भी कर सकता है। इसी तरीके से याला जो प्लेन है वो यहाँ पर जा कर के फिर इन तीनों पर भी जा सकता है, इसी तरीके से ये प्लेन इस पर से जा कर के ये बन सकता है कि वन टू थ्री, तो टोटल कितने वेज बन रहे हैं, थ्री इंटू थ्री, यानी इस प्लेन को इस कंट्री के वाया यहाँ तक पहुँचने में टोटल कितने केस बनने लगे, नाइन। देखिए ना, हियर थ्री, इसके भी थ्री और इसके भी थ्री, तो बोला जाता है इसे मल्टीप्लिकेशन रूल। तो मल्टीप्लिकेशन पे अगर हम बात करें कि इसके पास m वेस है, कितने वेस है, m वेस, और यहाँ पर n वेस है, ठीक है, इस जगह पर n वेस है और यहाँ पर m वेस है। तो बच्चों अगर यहाँ पर हमें ऑल परफॉर्म दिखानी हो, ऑल मतलब हमने टोटल कितने केस बनाए, तो अगर ऑल परफॉर्म बोलते हैं, ठीक
ठीक है, अगर ऑल परफॉर्म दिखानी है हमें, ठीक है, ऑल परफॉर्म, तो उसके लिए हमें दिखाना पड़ता है m इंटू एन बेस, क्योंकि देखिए अभी 9 केस बने, ठीक है, देखिए इसके 3 और इसके भी 3, इस जगह से जाने के बाद ये कहीं पे भी 3 जगह जा सकता है, 3 जगह लैंड हो सकता है, यहाँ पर भी इसके 3 होंगे और इसके 3, तो ऑल परफॉर्मेंट, ऑल परफॉर्म को क्या बोलेंगे, m इंटू एन। और इसी तरीके से एग्जैक्टली 1 का केस अगर हमें बनाना होता, एग्जैक्टली 1 परफॉर्म, ठीक है, तो एग्जैक्टली 1 परफॉर्म को अगर हम डिनोट करते, तो देखिए अगर इसमें m है और उस पर n है, तो एग्जैक्टली 1 का केस होता तो इसे प्लस कर दिया जाता, क्या कर दिया जाता, प्लस कर दिया जाता। आप देखिए कैसे एग्जैक्टली 1 का, कि एग्जैक्टली 1 पे इसमें से कोई एक रहेगा और इस पे भी कोई एक रहेगा एग्जैक्टली 1, तो 3+3 यानी 6 केस बनेंगे, ठीक है। तो ये बच्चों फंडामेंटल बेसिक रूल है, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चों ये क्लास 9, 10th और 11th में बेसिक स्टार्टर होता है एनसी का, इसी के बाद अब हम एनसीईआरटी और जेई मेंस और एडवांस के लेवल का सीख सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक थ्योरम थी जो कंप्लीट हो गई, ठीक है बच्चों।